बालाघाट पुलिस के द्वारा अवैध शराब बिक्री एवं परिवहन को लेकर चलाए जा रहे सघन अभियान के तहत आज कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वाराणसी रोड पर वैनगंगा पुल के पास एक अर्टिगा वाहन से बड़ी मात्रा में विदेशी शराब बरामद हुई। जानकारी के अनुसार रायपुर निवासी भावेश पांडे के द्वारा बीते कुछ माह से अपने वाहन के माध्यम से अवैध तौर पर शराब का परिवहन मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में किया जा रहा था। उनके द्वारा पुलिस से बचने के लिए मोहल्ले की एक युवती यामिनी मरकंडे को भी अपने साथ में लाया जाता था, जिसके एवज में युवती को करीब 1500 से 2000 रुपए दिए जाते थे। पुलिस मुख्यालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा चलाए जा रहे पिछले एक माह से अवैध शराब के परिवहन एवं बेचने के संबंध में जो अभियान चलाया जा रहा था, वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में आज दिनांक को प्रातः जो है मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि सिवनी वारा सिवनी की तरफ से एक अर्टिका कार में अवैध शराब लेकर के बालाघाट की तरफ आ रहे हैं। मुखबिर की सूचना की तस्दीक हेतु टीम गठित की गई और टीम जो है वैनगंगा नदी की ओर रवाना की गई और वहां पर जो है चेकिंग के दौरान वाहन नौ के आते जाते दौरान एक अर्टिका कार जो मुखबिर ने बताई थी उसको रोक करके चेक किया गया। अर्टिका कार का नंबर CG04KZ02901 है, जिसमें एक महिला और एक पुरुष बैठे हुए मिले और जिनसे नाम व पता पूछा तो उन्होंने अपना नाम जो है भावेश पिता अभिनंदन पांडे निवासी सिविल लाइन रायपुर का बताया और लड़की जो बैठी थी उसका नाम पूछा जिसने यामिनी मरकंडे पिता विश्राम मरकंडे वर्ष 19 वर्ष दलदल सिवनी विधान थाना विधानसभा रायपुर छत्तीसगढ़ का होना बताया। उक्त वाहन को चेक करते जो है 288 बॉटल अंग्रेजी शराब जो कार्टूनों में रखी हुई थी मिलना पाया गया, जिसके लाइसेंस के बारे में पूछना पर उन्होंने नहीं बताया और इस तरह से जो है उनका कृत्य अवैध रूप से अंग्रेजी शराब के परिवहन करना जो आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत पाए जाने से प्रथम दृष्टया अपराध क्रमांक 110/20 धारा 34(2) का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। सर क्या कीमत की शराब है? उक्त शराब की कीमत जो है अंग्रेजी 150,000 रुपए की है। सर कहाँ जा रहे थे और कहाँ से लेके आ रहे थे? ये जो है इनसे पूछताछ पर ये प्रकाश में आया है कि ये कल रायपुर से निकले थे और वाया बालाघाट होते हुए सिवनी जिले के अरी थाना क्षेत्रांतर्गत गए थे। वहाँ पर जो है आज सुबह करीब नहीं तो 4-5 बजे के आसपास बुलेरो से कोई एक वाहन बुलेरो वाहन आया और उक्त शराब जो है इनको गाड़ी में रखने हेतु दिया और जो यहाँ से पटेल करके कोई व्यक्ति है ऐसा बता रहा है, वो पूरी तरह से नाम नहीं जानता है, पटेल व्यक्ति बता रहा है जिसने जो है उक्त शराब दी और इस शराब को लेकर वो रायपुर जा रहा था। सर व्यापार करते हैं या पारिवारिक क्या हमेशा करते हैं? आरोपी से पूछताछ पर उसने बताया कि उक्त अर्टिका कार जो है उसके पिताजी के नाम पर है, मतलब उसके घर की ही है। लड़की का उसके साथ में होने संबंधी पूछताछ की तो बताया कि मोहल्ले में ही रहती है, जान पहचान की परिचित है और लड़की से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि रायपुर में वह हॉस्पिटल में रिसेप्शनिस्ट का काम करती है, पढ़ी लिखी 8वीं-10वीं तक पढ़ी लिखी, लेकिन पैसों के लालच में आवश्यकता पैसों की होने से उक्त परिचित व्यक्ति भावेश से ऐसी जानकारी मिलने पर कि वो यदा कदा शराब वगैरह लाता रहता है और उसमें उसको पैसों का अच्छा खासा मुनाफा हो जाता है। एक बार में उसको 5000 रुपये करीब मिलते हैं, आरोपी ने बताया। महिला से पूछा गया कि उससे कितने मिलते हैं तो उसने बताया कि साथ में जाने का करीब 1000 रुपये या 1500 रुपये मिलते हैं। दोनों से पूछा कि तुम महिला को क्यों लेकर आए तो उसने कहा कि महिला को साथ में रखने से पुलिस को संदेह नहीं होता, यह सोचा जाता है कि पारिवारिक कार्य से आ रहे हैं जा रहे हैं।